तो स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैक का आज जो हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने आंसर को चेक करने के लिए फटाफट। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट आंसर मिलाते हैं और आप सभी ध्यान से देखिए। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहले पैसेज का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, आप पैसेज पढ़े होंगे। बोलता है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 नंबर जो है सही है फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या है। जी हाँ, जनमत की उपेक्षा, लोगों की परवाह किए बिना जो जिंदगी जीता है वो असली क्या होता है, तो उसकी असली क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ताकत। जी हाँ, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनुष्य किस मनुष्य की पहली पह किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, साहसी। जी हाँ, साहसी जो होता है, साहसी मनुष्य जो होता है वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4, जनमत कौन सा समास है। जी हाँ, तो जनमत जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है, जनता का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो ये किस तरह के जीव का काम है, तो ये साधारण जीव का काम है। जी हाँ, बिल्कुल साधारण जीव का काम है जो अड़ोस पड़ोस को देखकर जो है चलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये पैसेज आपको पढ़ लेना है, उसके बाद इसके चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और आंसर को देखते हैं। तो 6 नंबर क्या कह रहा है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो जीवन भर क्या है स्टूडेंट, तो जीवन भर करदन है। जी हाँ, जीवन भर रोना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है यहाँ पर दूर तलक किसकी गाथा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है धरती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नील गगन का एक शब्द है तो वो क्या होगा, नीलांबर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता है खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल जो है मलान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो जी हाँ, सावन घिर जाने से कौन छिप जाता है, शशि छिप जाता है, सूरज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है पहला, बच्चा खेल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है तीसरा, वह रोटी खा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, दूसरा है अध्यापक, लेकिन यहाँ पे आचार्य भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है श्याम, जी हाँ काला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आजीवन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 16, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया है, यह किस प्रकार का वाच्य है? तो यह है कर्म वाच्य। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय घर के डैश है, तो विद्यालय घर के निकट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। नेक्स्ट, यहाँ पर इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, आप पढ़ लिया होगा आपने। अब चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो कहता हूँ, उपर्युक्त पदांश के कवि कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर क्या है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कहता है फसल किसका जादू है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है नदियों के पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? मिश्रित मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 24, फसल किसका रूपांतरण है? तो फसल है सूरज की किरणों का रूपांतरण। नेक्स्ट, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो सूरदास की काव्य भाषा है यहाँ पर वज्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर, उद्धव को भाग्यवान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो 27 का सही आंसर क्या है? बादलों को। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति है उत्साह कविता की। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, उसके पहले आपको ये पैसेज पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे सही आंसर क्या है? स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है टू, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? कैप्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कैप्टन क्या काम करता था? तो वो चश्मा बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है रेखा चित्र। जी हाँ, बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो वो थे मंझोले कद के आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, 35, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो कबीर को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, जिस दिन, जी हाँ, जिस दिन उनका बेटा मरा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो 37 का सही आंसर क्या है? पहला शिव पूजन सहाय। 38, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो वो क्या है आपको पता होना चाहिए, 38 का सही आंसर है सरसों का तेल। नेक्स्ट 39, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है नाभि और लिलार में। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो वो बाबूजी की गोद में। तो स्टूडेंट इस तरह हमने पूरा सोल्यूशन देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, पूरा सपोर्ट कीजिए। आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा उसका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा।